सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को लेकर उनके दोस्त अमित साध ने सभी से एक अपील की है और साथ ही उनका साथ देने के लिए आगे आए हैं एक और फिल्म मेकर मनीष मुंद्रा। क्या कहना है इन दोनों का, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी। दरअसल अमित साध जिन्होंने कायपोची में सुशांत के साथ काम किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, कैन वी प्लीज़ नॉट डू रेटिंग्स फॉर दिस वीकेंड प्लीज़ पीपल क्रिटिक्स जस्ट सम लव रिमेम्बरेंस एंड अप्रिशिएट द मैजिक। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि इस वीकेंड जो है हम इस फिल्म की रेटिंग ना करें, इसको स्टार्स ना दें, क्या सिर्फ हम इसको एक मेमोरी की तरह नहीं रहने दे सकते, इसको अप्रिशिएट करें इस मैजिक को। और उसके बाद जो है मनीष मुंद्रा जो कि खुद एक फिल्मकार हैं, जो कि इनका अगर मैं बायो पढ़ूँ तो वो लिखते हैं फिल्म मेकर राइटर पेंटर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ड्रीमर। वो लिखते हैं, फिल्म मेकर कैन वी जस्ट नॉट डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वन फिल्म, जस्ट वन, सिर्फ एक फिल्म को हम नहीं छोड़ सकते हैं। वट इफ़ यू डोंट गेट पेड फॉर वन फिल्म, क्या होगा अगर एक फिल्म का अगर पैसा नहीं मिलेगा। वट इफ़ यू लेट गो वन फिल्म, डोंट एक्सेप्ट मनी फॉर दैट वन फिल्म, वो क्वेश्चन मार्क सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेट दिस फिल्म नॉट बी जज, इस फिल्म को जज मत करो। तो इस तरह से दो तीन लोगों ने इस बात की मांग की है कि इस फिल्म को है किसी भी तरह की रेटिंग ना की जाए, किसी भी तरह से जज ना किया जाए, सिर्फ इसके मैजिक को ऐसे ही हम अप्रिशिएट करें। हालांकि कुछ लोगों ने अमित से पूछा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, तो वो कहते हैं कि इट्स टू पर्सनल ब्रो, वन डे आई विल शेयर, आई प्रोमिस एंड आई विल टेल यू द फर्स्ट। इसके आगे जो है वो आगे लिखते हैं कि मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ कि इस फिल्म का जो है क्रिटिकल एनालिसिस ना करें, हम रेटिंग ना दें। और फिल्म विंडो ने कल यही किया, हमने इस फिल्म को रेटिंग के तौर पर जो है बिल्कुल भी रेट नहीं किया, रिव्यू नहीं किया। जो इमोशंस थे उनकी बात की, जो फैंस की फीलिंग्स थी उसकी बात की, जो सुशांत को मिस किया जा रहा था उसकी बात की, और सुशांत को लेकर जो लोगों के इमोशंस थे हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी बात की है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये फिल्म जो है सिर्फ एक मैजिक है, एक याद है सुशांत के लिए, उन सभी के लिए जो उनको बहुत पसंद करते हैं और उनको मिस कर रहे हैं। ऐसे में अमित ने और मनीष मुंद्रा ने सभी से अपील की है कि इस फिल्म को हो सके तो प्लीज़ रेटिंग ना कीजिए और इसको जो है जज मत कीजिए, इस फिल्म को जो है सिर्फ एक याद की तरह रहने दीजिए।